दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबजर्नी यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली के अंदर हैं। गांव का नाम है ग्यू। पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा ही था, हम लोग इस गांव के अंदर आए और फिर रात को यहीं पे ठहर गए। मेरे पीछे की साइड में वहाँ पर एक आपको मोनेस्ट्री दिखाई दे रही होगी, वहीं पर एक 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मम्मी है जो पिछले वीडियो के अंदर आपने देखी। ये ग्यू गांव है और इससे सिर्फ 4 किलोमीटर दूर, यहाँ से अगर मैं सीधा नापूँ तो इस पहाड़ के उस पार जो चाइना है। इस गांव में कोई भी कंपनी का भी नेटवर्क नहीं है। ये दोस्तों हम लोग जो नीमा होम स्टे है यहाँ पर हम लोग ठहरे। और ये आपका शुभ नाम क्या बताया? सोनम। शाम का डिनर दिया, सुबह का नाश्ता, हाँ। और सब करके एक व्यक्ति का 700 रुपए। 700 रुपए। हाँ। ये क्या चीज है? और सत्तू। ये क्या चीज है जो आपके हाथ? छुरबे। छुरबे? हाँ जी। अच्छा, ये जो मीठा वाला छुरबे, मीठे वाले, हाँ। क्या बनाते हैं? थूपा। थूपा बनाते हैं। इसका बनाने का काम में ये मीठे का थूपा नहीं बनाते, ऐसे हम लोग खाते हैं। सीधे खाने का? सीधे खाने का। मैं खा सकता हूँ? हाँ, खा सकते हैं आप। कब से इसके चारों ओर घूम रहा हूँ। ये तो सीधे खा सकते हैं, सीधा खाने के लिए ऐसे रखा हुआ ना। ये तो चीनी डाला हुआ है। आराम से खा के, आराम से चूली वगैरह के साथ ऐसे खाने के। चूली चूली होते ना, तेल करते समय चूली खाते हैं। कोई ये खाते हैं अच्छा लगने वाला, जिसको उड़ी वगैरह नहीं आते। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ज्यादा उड़ी आने वाला सफर में है ना, ये चूली है। चूली चूली बोलते हैं, चूली बोलते हैं आप लोग। कुर्बानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शायद कुर्बानी बोलते हैं। कुर्बानी है, कुर्बानी चूली है। ये क्या चीज है? ये सत्तू। सत्तू ये छोरबे के साथ गोल के खाते हैं हम लोग। नाम सिंगरा से मेरा, नेपाल का। अच्छा, नेपाल से। नेपाल से। और ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, अभी सुनाएंगे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। एंजॉयिंग सम चाय। गुड मॉर्निंग। अब जो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, दाल और पराठे। ओ हो, चाइना को बॉर्डर मा मेरो कागज बन्यो, आफ्नो देशलाई अन्त्य राखी यतै जेल बस्नु मैले पर्यो। नराम्रो थिएन, नराम्रो थिएन, बस्ने थिए करमले दिएन। हो हो, चाइनाको बाउडरमा मेरो कागज बन्यो। जाजरकोट जिल्ला, नलगाट नगरपालिका, नेपाल। हाँ, नेपाल। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते त्रेय भाई। त्रेय भाई। और ये इनका नाम है त्रेय। एलिसन है? एलिसन। एलिसन, हाँ जी। ये एक शायद हो सकता है यहाँ पर और रुके एक दिन, हम लोग अभी चल रहे हैं। और ये गांव है ग्यू। बहुत सुंदर दृश्य सुबह सुबह का। ये सो रही है तो अभी इसके नाखून काट रहे हैं, लेकिन ये जग गई। छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो जब सो रहे होते हैं तभी नाखून काटने होते हैं। इस गांव से हम निकल रहे हैं और ये गांव बहुत ज्यादा सुंदर, लियो लियो गियो गियो, बहुत ज्यादा सुंदर लगा हमें। यहाँ ना तो नेटवर्क है और एकदम सुंदर प्रकृति, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में ही आ गए हम। ये दूर से दिखने में तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। और सिया के पापा अभी गाड़ी में बैठे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं। सिया यहाँ पे पत्थरों से घर बना रही है। ये है स्पीति नदी। इस साइड में हम आगे जाएंगे ताबो की तरफ, लेकिन उससे पहले माता जी मंदिर के दर्शन करते हैं। और बहुत सुंदर दृश्य है नदी का, और ये बीच में यहाँ पर बना है माता जी का मंदिर। जय दुर्गा माता। चलिए दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं ताबो की तरफ। ये जो रास्ता है स्पीति नदी के किनारे किनारे, सिंगल रोड वाला, अक्सर यहाँ से जो है पत्थर गिरते रहते हैं। और नदी के किनारे किनारे का दृश्य बहुत ही सुंदर है। रास्ते में कई सारे गांव आए, लेपचा, टिपला, लारी, इस तरह से सिंगल रोड से हम लोग चलते जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसको एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी लगता है। जितना हम लोग रिकॉर्डिंग में
समय लेते हैं, लगभग उतना या उससे ज़्यादा ही लगता है। ऊपर से जब नेटवर्क नहीं होता है तो हम अपलोड नहीं कर पाते। पीछे जिस गांव में रुके हुए थे वहाँ नेटवर्क नहीं था, आज आगे इस वीडियो में जहाँ रुकेंगे वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं है, दुर्गम इलाकों में ये एक समस्या है। लेकिन बहुत सुंदर अच्छे अच्छे व्यू हैं जिनको हम अपने साथ कैद करते हुए चल रहे हैं। आज इसी रास्ते पर हमने एक जगह पर अल्टो गाड़ी थी छोटी, उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ भी देखा। कोई ज़्यादा जनहानि तो नहीं हुई ऐसे लग रहा था, लेकिन बोनट जो उसका क्षतिग्रस्त था। और किसके साथ में और कैसे हुआ ये हमें नहीं पता। कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, हम लोग वहाँ से सीधा आगे की तरफ निकल गए। बहुत ही सिंगल रोड है, अभी इसके अंदर देखिए इतनी मोड़ आती है कि अचानक से सामने गाड़ी आ जाए। तो भी दोस्तों ये है लारी तब्बो समसारा कैंप एंड रेस्टोरेंट। लगभग एक बजे नहीं डेढ़ बजे का समय हो गया, यहाँ पर हम लोग अब खाना खाएंगे। आज अभी हम लोग है तब्बो पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में तब्बो पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद में आता है काजा, देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। इतने सुंदर सुंदर फूलों की वादी है यहाँ पर, बीच में ये एप्पल का गार्डन भी है साथ में लगा हुआ। सुंदर फूल है, सुंदर फूल है। ये क्या है, बजरी और जो होती है उस तरह का एक रेत का ढेर लगा हुआ है, पूरा पूरा कच्चा ही कच्चा है, कच्चा ही कच्चा है। ऊपर जो भी पहाड़ है उन ये सारे देखिए वहाँ से जो निकल निकल के आ गया और एकदम ढेर लगा हुआ है। ओए चिनी बेटा, ओए चिनी, खाएंगे खाना लाओ, खाना खाना खाएंगे, खाना लाओ, दो चावल खाएंगे अब। अब जो दोस्तों हम आगे की तरफ जा रहे हैं, स्पीति नदी की गहराई का आंकलन आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी गहरी है। इसके एक साइड में गांव है, एक तरफ सड़क का रास्ता है और ऊंचे ऊंचे पर्वत। हम जा रहे हैं तब्बो, तब्बो के अंदर 1000 से भी ज़्यादा साल पुराना जो बौद्ध मठ है और गुफाएँ भी है, तो वो हम देखेंगे। तब्बो के अंदर ये स्तूप बना हुआ है और तब्बो मोनेस्ट्री हम आ गए हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं तब्बो मोनेस्ट्री, ये बहुत पुरानी जगह है, ये 1000 से भी ज़्यादा साल पुरानी है, मठ है, बहुत पुराना मठ है जिसके अंदर मैं दर्शन करके भी आ गया। आपका शुभ नाम क्या है वैसे? नरवू। नरवू लामा जी है मेरे साथ में। और यहाँ आने के बाद में हमने देखा मिट्टी के बने हुए बहुत ही पुराने पुराने कुछ मकान की तरह है, या फिर ये क्या चीज़ है आप बताइए इसके बारे में, क्या चीज़ है ये? स्तूपा है, स्तूप बोलते हैं। अब ये जो सामने ये क्या चीज है? ये स्तूपा है, स्तूप है। और इस साइड में सारे स्तूपा ही स्तूप हैं। ये कितने पुराने होंगे लगभग? अब इनके बारे में हिस्ट्री नहीं मालूम, इनके कितने साल पहले बनाए गए ये नहीं मालूम पूरे। अच्छा, अंदर के बारे में जो अंदर जो मैन मोनेस्ट्री है 996 AD के टाइम के हैं। अच्छा, 1026 साल हो गए हैं लगभग। जी। और जो बनाने वाले थे वो लामा यीशो जो यहाँ के वेस्टर्न तिब्बत किंग थे, उनके और उनके ट्रांसलेटर लोसा और इंचेजामो के द्वारा बनाया गया था। इनको मेंटेनेंस करने के लिए कुछ लगाते हैं ऊपर मिट्टी वगैरह है? जी मिट्टी के जो जो मड और जो भूसा होते हैं मिक्स करके इन्हीं के ऊपर बार बार कही जाते हैं। अच्छा, लेप लगाए जाते हैं। ये स्तूप जो होते हैं इनके अंदर किसी की समाधि होती है? नहीं, इनके अंदर मंत्रा डाले होते हैं। क्या होते हैं? मंत्र, मंत्र लगा करके और ऐसे बना के इनके अंदर कागज में ना मंत्र रोल करके डाले होते हैं स्तूप के अंदर। जी। ये बनाते क्यों है, किस पर्पज से? जैसे मंदिर तो प्रार्थना करने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स के लिए। अच्छा, इसलिए बना करके छोड़ देते हैं। ऊपर किए हुए वो कब किए? अब ये इनके पूरे हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन खूब सारी है तो बहुत दिख रही है केव ही केव है यहाँ पर। जी क्या बोलते हैं इन केव का, क्या नाम है? केस बोलते हैं, केस को केव सी बोलते हैं हम लोग टिबेटियन लोग जो फूक बोलते हैं, फूक फूक। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नज़दीक से देखिए, ये देखिए इस तरह से घास फूस मिला करके मिट्टी से जो इसको लिपा हुआ है, इस तरह की इसकी बहुत ही सुंदर बनावट है। पहाड़ी किले नुमा जो मंदिर है करीब 1000 से भी ज़्यादा साल पुराना। ये पक्का जो है यहाँ पर नाली बनी हुई है जहाँ से जो पानी यहाँ के गांव में भी और खेतों में भी जाता है। यहाँ से हम लोग जो तब्बो गांव से ट्रैक करके इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। ये दूर से बहुत छोटी छोटी गुफाएं नज़र आ रही थी चूहे के बिल की तरह, इन तक आ गए हैं। ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं यहाँ की।
सिया जो आते ही खेलेगी थोड़ी देर, उसके बाद में वापस चलेंगे। क्या है कि पहले के टाइम में पहाड़ों के अंदर इस तरह की गुफाएं, बौद्ध महात्मा जो थे वो अंदर तपस्या करते थे या रहते थे, तो पहले के समय के लोगों की बनाई हुई है और एक मकान की तरह है हर गुफा बनाई हुई है। कई सारी इनमें प्राकृतिक है, कई सारी बनाई हुई है इस तरह से। ये एक गुफा है जिसके अंदर हम लोग चल रहे हैं। हेलो, ये इसके अंदर आ गए हम लोग। पूरा ऊपर से ब्लैक नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ खाना पीना पकाना होने की वजह से ये ब्लैक हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ जब विंटर सीजन होता है तो बर्फ़ गिर जाती है, सब कुछ एकदम बर्फ़ की चादर के अंदर ढक जाता है, तो उस समय ये गर्म रहती है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर खोद के बना ली ना, तो अब ये गर्म रहेगी। यहाँ आराम से खाना पीना सोना सब कर सकते हैं। और चाहे सामने का जो सीन है वो कुछ इस तरह का है, तो यानी कि बर्फ़ कितनी भी चाहे गिरे यहाँ से तो हटा सकते हैं। लेकिन इस साइड में ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ इस तरह की खूब सारी छोटी 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 इसी तरह की गुफाएं गुफाएं सब जगह। लगभग इस साइड को छोड़ दें कम पहाड़ियाँ हैं, बाकी सब पहाड़ियों से घिरा हुआ है चारों ओर से। ग्रीन सूखे पहाड़ों के बीच ग्रीन गांव, वहाँ उसके किनारे किनारे जो है वो स्पीति नदी बहती है। वो देखो नदी भी दिख गई, ये देखिए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ से जो पुराना बौद्ध मठ जो हमने अभी आपको दिखाया था वो ये है। ये जैसे चूहे का बिल होता है ना, उस तरह से जो पहाड़ के अंदर खुदी हुई खूब सारी इस तरह से गुफाएं। एक और यहाँ पर इस तरह से मकान बना हुआ है गुफाओं के पास में शायद, ये भी पुराना है। बाहर जो सनक से स्मारक का बोर्ड लगा हुआ है, तिल पापड़ नहीं मूंगफली पापड़ है, मूंगफली पापड़। खाने के बाद में ये वापस मुझे दे देना, ठीक है? फेंकना नहीं है कहीं पे भी। दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की होती है, ऊपर पूरा मिट्टी नीचे लकड़ियाँ हैं। ऐसे देख लीजिए, ये लकड़ी, इसे नीचे लकड़ी, इसके ऊपर मिट्टी, गोबर, गारा, यहाँ की जो मिट्टी होती है वही। पर -20, 30, 40 कितना भी डिग्री चाहे टेम्परेचर जाओ ये गर्म रहती है। तो भाई दोस्तों अब जाओ यहाँ से चलते हैं देमूल। यहाँ पर एक गांव है, लिदांग से होते हुए आगे देमूल की साइड में जाएंगे ऊपर पहाड़ों में, वो भी 4400 मीटर तो मान लो 4400 मीटर हाइट के ऊपर वो गाँव बसा हुआ है। आगे का रास्ता कुछ इस तरह से था, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे कटे हुए पर्वत जैसे कोई तलवार हो, इनके बीच में से जो हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद में ये जो रास्ता है ये तो ऐसे लग रहा है मिट्टी के ढेर वाला है, पहाड़ पक्के पत्थर वाले तो नहीं है, मिट्टी के ढेर हैं बड़े बड़े लगे हुए। और बीच में से यहाँ पर नदी बह रही है, ज़्यादातर यहाँ काली मिट्टी ही काली मिट्टी है। तो अभी दोस्तों सिचलिंग नाम से ये एक जगह है जिसके आसपास का जो एरिया है बहुत ही कच्चे पहाड़ वाला है। आप कब से जो देख रहे हैं इस तरह के एकदम मिट्टी वाले पहाड़ हैं सारे के सारे रास्ते पर में। ये पुल पार करके इस साइड में एक माने गांव है, वहाँ पर रोड जा रही है। और यहाँ पर मुझे जो खास चीज़ लगी जिसके लिए हम लोग रुके हैं वो है, यहाँ देखिए पानी के अंदर एक चट्टान जो है वो कभी देखने में ऐसे लग रहा है चूहा, मगरमच्छ या मछली, कुछ उस तरह के आकार का लग रहा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर ठहरे हैं। ये देखिए देखने में, अब आप कमेंट करके बताना कि मगरमच्छ है या मछली है कि किस रूप में है। यहाँ के कोई लोग हो तो बताना कि इसे कुछ और भी नाम से बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है ज़रूर चट्टान इस रूप के अंदर। शाम का टाइम हो गया है और लगभग 4:45 बज रहे हैं, अभी भी हमें 34 किलोमीटर और चलना है। मैं आपको जानता हूँ ना, आपको मतलब ब्लॉग में देखता हूँ। देखते हो क्या? क्या नाम है आपका? छेरिंग। छेरिंग गाँव कौन सा है? ये सामने आगे। क्या नाम है? लिदांग। बढ़िया लगता है। बढ़िया। कितने टाइम से देख रहे हो? पिछले साल से थे, सर्दी में जब आप मनाली में थे तब। अच्छा। लास्ट में शुभ जर्नी के वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। आप सब इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप भी देखते हो? हाँ, राजस्थान से। हम जयपुर से। अच्छा, यहाँ पर बस स्पीति घूमने आए। अच्छा, फिर कुल्लू मनाली इधर से बहुत दूर से आए। अच्छा लगते हैं आपको वीडियो? बहुत अच्छा, तभी तो देखा ना एकदम से। हाँ। मैंने कहा एक बार मिलके आते हैं। दोस्तों हम लोग जो लिंगती वैली में पहुंच चुके हैं, लिंगती वैली, और ये लिंगती इस साइड में ब्रिज है, यहाँ पर बिजली बन रही है।
और उसके बाद में जो पावर प्रोजेक्ट है उसके बाद में यहाँ से जो वाटरफॉल और बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है गाय के मुंह से जो निकल रहा हो, क्योंकि नालियाँ बना करके पानी है, बहुत स्वच्छ भी पानी है, बहुत अच्छा पानी है। उस वाले को मैंने भी ऐसे सोचा था गाय के मुख से पानी आ रहा है, ऐसे सोचा था पहली बार देखते ही, बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि उधर कुछ तो प्रोजेक्ट है। और नदी के उस पार भी एक रोड है जो पिन वैली की तरफ जाता है, दमूल गांव की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं। और यहां से जो रोड है वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता है, करीब 18 से 19 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये इस साइड से हम लोग जो आए हैं, तो हम लोग तो यहाँ आए हैं तब पता चला है, इससे पहले तो हम लोग खड्डे में थे। इतनी ऊंचाई के ऊपर इतनी शानदार लोकेशन, मजा आ गया। दिल खुश हो गया। सामने देखिए एकदम बर्फ के पहाड़ों के हम लोग एकदम बराबर में आ गए। शाम हो रही है, सूरज जो इस साइड में डूब रहा है, और अभी भी 10 किलोमीटर का और रास्ता है हमारा। बहुत शानदार लोकेशन पे आ गए हम लोग, बहुत शानदार, एकदम वाइट वाइट है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अल मैंने बात की आपसे, इतने में सूरज तो डूब गया। आज जो हम लोग 4400 मीटर हाइट के ऊपर स्टे करेंगे, अब तक इतनी हाइट पर तो गए ही नहीं आज तक, कभी नहीं गए। ये दोस्तों कोई पहाड़ी जानवर है, नाम हमें नहीं पता, हिरण की तरह लग रहे हैं देखने में, और इतनी ऊंचाई के ऊपर यहाँ पर रह रहे हैं। नीचे रहते तो हम लोग देख ही नहीं पाते, इतनी सुंदर लग रही है। ये एक इनका झुंड है, जंगली जानवर है, ये यहाँ का जंगल है एक तरह से। स्तूप बना हुआ है, बहुत स्तूप, और इस साइड से हम लोग आए एकदम हाइट के ऊपर। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। पहाड़ी के अंदर का सीन कुछ इस तरह से है, आप देखिए सो रही है गुड़िया, पीछे भी सो रही है। यहाँ पर क्या है कि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है ना, तो इनको नींद ही नींद आ रही है दोनों को, बहुत ज्यादा एकदम, मतलब गाड़ी के अंदर भी एकदम ठंडी। ये धुंध भी आ गई, इतनी ज्यादा ठंड है। और अब मैं दिखाऊं जिस गांव हम पहुंचने वाले हैं, उस गांव की एक बार तस्वीर दिखा दूं ऊंचाई से, बहुत सुंदर दृश्य है। ऐसे लग रहा है हम लोग जीवते जीवते स्वर्ग में आ गए। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, और ये चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ। नाम तेंजिन है। और आप वीडियो कहाँ से देखते हो? यूट्यूब पे ना आपको बहुत वीडियोस देखा मैंने अपना, आपका ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। आप मतलब कि कई जगह घूमने जाते हैं तो हमें भी देख के मजा आता है, तो आप हकीकत में आप मिल रहे तो बहुत अच्छा लगा। हमारा गांव डेमुल है, डेमुल सुंदर गांव है, आप विजिट करिए, वहां जाके होम स्टे होंगे आप वहां पर। शुभ जर्नी को जो है सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, लाइक शेयर और कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमें इस बात से बहुत खुशी है कि 4400 मीटर हाइट और लाहौल स्पीति वैली का एकदम ऊंचाई पर गांव से आप वीडियो देखते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अपनापन सा लग रहा है ये जानकर के कि आप जो यहाँ से देखते हैं, इतने दुर्गम से दुर्गम इलाका है, हम अपनी लाइफ में अब तक इतने दुर्गम जगह कहीं नहीं है, लेकिन अब ये दुर्गम नहीं लग रही है, ये अपनी लग रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्पीति वैली के जितने भी लोग हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद। तो अभी दोस्तों बड़ा मुश्किल से हम लोग आके पहुँच गए हैं, एक्चुअली अंधेरा हो गया था, मुश्किल हुई ठंड के अंदर, बच्ची को भी लेके आए। अब अगले वीडियो मिलेंगे, आगे का सब कुछ आपको अगले वीडियो के अंदर दिखाएंगे।